ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद उर्फ कृष्णपाल सिंह को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की छात्रा से यौन संबंध बनाने और उसे अपनी कस्टडी में रखने के मामले में राजधानी लखनऊ की MP MLA कोर्ट के विशेष जज पवन कुमार राय ने सबूतों के अभाव में पूर्व मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को अश्लीलता, अश्लील वीडियो बनाने समेत तमाम आरोपों से बरी कर दिया है। इसके अलावा रंगदारी मांगने के मामले में पीड़िता और उसके साथी को भी बरी कर दिया गया है। रंगदारी मामले के सभी आरोपियों को कोर्ट ने दोषी मुक्त कर दिया है। दरअसल रेप का आरोप लगाने वाली युवती और उसके साथियों पर चिन्मयानंद ने रंगदारी मांगने का आरोप लगाया था। फैसला सुनाते वक्त कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को नहीं कर पाया। चिन्मयानंद के वकील ओम सिंह ने कहा कि रेप मामले में चिन्मयानंद को कोर्ट ने बरी किया है। MP MLA कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही थी। दरअसल 27 अगस्त 2019 को LLM की एक छात्र के पिता ने शाहजहांपुर के थाना उतावली में FIR दर्ज करवाई थी। FIR के मुताबिक पीड़िता LLM कर रही थी और उसके कॉलेज के हॉस्टल में रहती थी। FIR में आगे कहा गया है कि 23 अगस्त से उसका मोबाइल बंद था और फेसबुक पर उसका एक वीडियो उसके पिता ने देखा, जिसमें छात्रा स्वामी चिन्मयानंद और अन्य लोगों पर उसका और अन्य छात्राओं का शारीरिक शोषण करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा रही थी। मामला दर्ज होने के बाद सितंबर 2019 में चिन्मयानंद की गिरफ्तारी हुई थी। जांच के क्रम में यह बात भी सामने निकल कर आई कि छात्रा और उसका एक दोस्त चिन्मयानंद को काफी समय से ब्लैकमेल कर रहे थे। इसके बाद चिन्मयानंद की शिकायत पर पुलिस ने छात्रा पर 5 करोड़ रुपए के लिए ब्लैकमेल करने की FIR दर्ज की थी। यह मुकदमा अलग से चल रहा था, जिसमें पीड़िता और उसके साथी को कोर्ट ने बरी कर दिया है। आपको बता दें, पीड़िता के पिता की ओर से दर्ज करवाई गई FIR में कहा गया था कि उसकी पीड़िता के साथ कोई अप्रिय घटना करके उसे गायब कर दिया गया है। और जब पीड़िता के पिता ने स्वामी चिन्मयानंद से मोबाइल पर संपर्क किया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। पीड़िता के पिता ने FIR में दर्ज कराया कि पीड़िता के हॉस्टल के कमरे में ताला बंद था और उसके कमरे में स्वामी चिन्मयानंद से संबंधित सबूत होने की बात कही थी। FIR में आरोप लगाया गया था कि आरोपी चिन्मयानंद व उसके साथी दबंग और गुंडा किस्म के लोग हैं, जो सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। लिहाजा उस कमरे का वीडियो बनाकर मीडिया के सामने पुलिस लॉक करे। मामले की सुनवाई MP MLA कोर्ट को सौंप दी गई। आपको यह भी बता दें कि सुनवाई के दौरान पीड़िता और गवाह गवाही से मुकर गए थे। पॉलिटॉक्स ब्यूरो UP। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।